गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद इसाक। आज पूरे लद्दाख में एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से लद्दाख भर में प्रोटेस्ट का ऐलान किया था और आज प्रोटेस्ट लगातार यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। लेह में एपेक्स बॉडी की क्यादत में सुबह से लगातार प्रोटेस्ट जारी हैं और इस वक्त करगिल में यानि 12:30 नमाज दोहरेन के बाद प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है और दोनों की जानिब से 4 अहम पॉइंट्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से लद्दाख के इशूज़ को लेकर एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर आए हुए हैं और 4 पॉइंट एजेंडा जिसमें सबसे पहले लद्दाख को स्टेटहुड की मांग और लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड 6 शेड्यूल के लाइन पे एम्प्लॉयमेंट इशूज को हल करने की मांग और साथ ही साथ लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए लेह और करगिल के लिए सेपरेट जो लोकसभा और राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं। और लगातार आज करगिल में प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट में सैकड़ों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं और इसके अलावा लोग सैकड़ों की तादाद में इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल हम लाइव विजुअल्स करगिल लद्दाख से पहुंचा रहे हैं। इससे पहले लेह लद्दाख से हमने लाइव विजुअल्स पहुंचाने की कोशिश की थी और इस वक्त लाइव विजुअल्स आप लगातार देख रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर आप लोग आखिर पे सड़कों पे आए हैं तो क्या आप लोग को उम्मीद रख रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बाद कुछ हल निकलने वाला है? हाँ, हम तो उम्मीद पर दुनिया खड़ी है, इसलिए हमने भी उम्मीद रखी हुई है क्योंकि वादे पे वादा और ऐलाना पे ऐलाना कह रहे कि लद्दाख को कोई भी किसी चीज़ कभी रखेंगे नहीं, हर चीज़ हम पूरा करेंगे और तमाम मुतालबा पूरा करें। आज सिर्फ जूनाबाजी ही आया, कोई बात जो इनका सही निकला, कोई बयान जो ऐसे नहीं आया। आज तक जो है हमें जो है धोखा देता गया, तो हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आज एहतजाज है, पुरान एहतजाज पूरी खत्ते के अंदर एपेक्स बॉडी और कहीं केड़े के पेड़ तले जो है हम एहतजाज कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम लोग जो है ये जलसा जो है ये जलसा जुलूस ये प्रोटेस्ट ये तारीख जो है चलता रहेगा, चलाता रहेगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये जुलूस जो है वो चलता रहेगा। तो फिलहाल लगातार हम आप तक लाइव विजुअल्स करगिल से पहुंचा रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट करना पड़ा आप लोगों को, पूरे लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के बाद कुछ तवक्कुआ है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे, हमें उम्मीद है मरकजी सरकार होश में आएगी, आवाम के मुतालिबात और आवाम के ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं किया तो हमारी जद्दोजहद हमारा स्ट्रगल इससे भी तेज तरीके पे जारी रहेगा। सर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आज एक सर्कुलर भी आया है, उसमें गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल बनाने को कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से आप प्रोटेस्ट करें, ये सारे जुमलेबाजी है। जब भी लद्दाखी आवाम सड़क पे आती है, प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, इस तरह के एसआरओस इस तरह के ऑर्डर्स निकालते रहते हैं, 3 साल में ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ को चेयरमैन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अजहर करबलाई और कमर अली अखौन बात कर रहे थे और दोनों का मानना है कि जब तक लद्दाख को लेके जो 4 पॉइंट एजेंडा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की जानिब से रखा है जब तक